सो हेलो एवरीवन गाइस गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 23 मतलब कि ट्यूसडे या फिर वेनसडे को ही डेट्स अनाउंस होने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के, और एट द सेम वे जो रिजल्ट आने वाला है 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के, इनके डेट्स अनाउंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो स्टूडेंट्स वैसा ही हुआ आज ही। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज ही 12th स्टैंडर्ड के जो भी बोर्ड का रिजल्ट है उनके डेट्स अनाउंस हो गए हैं। और एनी गेसेस, कल ही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कल ही आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट होने वाला है 2 बजे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वेबसाइट्स दे दिए हैं, तो इन वेबसाइट्स पे से आप जाके जो भी है बचेज रिजल्ट देख सकते हो कल दोपहर 2 बजे। तो रेडी हो जाओ, ठीक है, पेड़े के बॉक्सेस वगैरह सभी जन रेडी रखो। जो भी मेरे 10th के लाला लोग हैं, लाली लोग हैं, टेंशन लो मत, चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही कोई भी आपके रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आएगी तो मिल ही जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट है 3 या 4 तारीख जून की एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लग रहा है 3 या 4 तारीख को ही रिजल्ट आने की संभावना आपके ज्यादा है। तो 10th स्टैंडर्ड वालों भी रेडी हो जाओ, 12th स्टैंडर्ड का तो अभी हो गया है, कल ही समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट क्या है। अपने एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितने हैं जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है, जिससे मुझे भी समझ में आए कि मेरे महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं 12th स्टैंडर्ड के वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो फोर्थ। बाय एवरीवन, पीस आउट।